हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर होस्ट उसामा अनवर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इटालियन परमानेंट रेजिडेंस आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। इटालियन परमानेंट रेजिडेंस हासिल करना इंतहाई आसान है अगर आपका स्टेटस इटली में लीगल है। पॉइंट नंबर वन, इटली में आया कैसे जाए। इटली में सबसे ईजी वे आने का है वो है स्टडी वीजा। अगर आपको स्टडी वीजा मिल जाता है अपने होम कंट्री से तो आप इटली में इजीली पीआर के लिए एलिजिबल हैं। सो रोड मैप क्या है? रोड मैप ये है कि आप स्टडी वीजा को ऑब्टेन करें, यहां पर आकर अपनी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की या पीएचडी की डिग्री को कंप्लीट करें। अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री 3 साल की है या मास्टर्स 2 साल का है और पीएचडी 3 साल की, सबसे पहले आपको अपना स्टडी पीरियड कंप्लीट करना होगा। स्टडी पीरियड कंप्लीट करने के बाद आपको चेरका दी लवोरो के लिए अप्लाई करना है। इटालियन जुबान में चेरका दी लवोरो का मतलब होता है टू लुक फॉर अ जॉब। और जब आप जॉब हासिल कर लेते हैं तो आपको जॉब का लेटर अपने इमिग्रेशन ऑफिस लेकर जाना होता है। इटालियन जुबान में इमिग्रेशन ऑफिस को क्विस्तूरा बोलते हैं। आपने क्या करना है, अपना काम का कॉन्ट्रैक्ट कंत्रातो दी लवोरो क्विस्तूरा लेकर जाना है और आपके स्टडी परमिट को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो स्टडी के 2 से 3 साल और 2 साल वर्क परमिट के, टोटल आपको लीगली इटली में 5 साल लीगली गुजारने हैं। इटली में पीआर लेने के लिए आपको 5 साल का दौरानिया मुकम्मल करना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आखिरी 1 साल का टैक्स रिटर्न और 1 साल का रेजिडेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पीआर को हासिल करने के लिए। थैंक यू। मज़ीद वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।